नमस्ते, मैं धर्मेंद्र। आज i10 ग्रैंड है, इसका हम लोग इंजन ऑयल चेंज करेंगे और लोकेशन दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ पे है इसका। पर फुल प्रोसेस है, आप लोग देखिए पूरा पूरा वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये है इसका, देखिए i10 ग्रैंड 1.2 है और इसको हम लोग इंजन ऑयल चेंज करेंगे और इसका कहाँ का लोकेशन आप लोग को दिखाएँगे। ये देखिए i10 ग्रैंड है, ये देखिए 17 नंबर यहाँ पर लगेगा डेड नट है ये चैम्बर का। और ये मोबिल फिल्टर, ये देखिए ये चैम्बर का नट खोलिएगा और 17 नंबर से खुल जाएगा और उसके बाद हम लोग ट्रेन करेंगे। यहाँ पे जग लगा के 17 नंबर बोल्ट खोल रहे हैं, ये देखिए बोल्ट धीरे धीरे खोलने के बाद ये बाल्टी लगा के ड्रेन करेंगे बाल्टी में। ये देखिए इंजन ऑयल पूरा खाला हो गया था, बहुत ख़राब हो गया था कंडीशन। ये देखिए पूरा ब्लैक निकल रहा है इंजन ऑयल, आप लोग देख सकते हैं ये देखिए। और इसका ये हम लोग इसके बाद मोबिल ड्रेन होने के बाद हम लोग इसका फिल्टर, ये देखिए फिल्टर इंच है इसका, ये जो होंडाई में लगता है इसको हम लोग ठोक के और उसके बाद उसका फिल्टर को खोलेंगे। ये देखिए ठोक के उसके बाद हम लोग खोलेंगे, ये देखिए इसको हम लोग लगा दिए फिल्टर इंच और इसको हम लोग खोलेंगे धीरे से। और ये देखिए लगाने के बाद इसको हम लोग लेफ्ट साइड घुमाएंगे और ये फिल्टर खुल जाएगा। ढीला होने के बाद इसको हम लोग हाथ से घुमा के निकाल देंगे, क्योंकि जब भी मोबिल चेंज होता है तो कंपलसरी आपको फिल्टर चेंज करना ही होगा, नहीं तो इसके अंदर गंदा मोबिल रह जाता है इंजन ऑयल। ये देखिए हम लोग को निकाल दिए, इसके अंदर जो फिल्टर से मोबिल निकला गंदा, देखिए आप लोग। और ये डेड नट भी खुला हुआ जो गिर रहा है। इसका हम लोग अब एयर फिल्टर खोलेंगे, जो लोकेशन ऊपर में देखिए कि 1.2 इंजन है। और इसको हम लोग यहाँ पे हॉर्स पाइप थॉटर बॉडी का हॉर्स पाइप खोलेंगे जो 10 नंबर 3 इंच लगता है, खोल के इसको निकालेंगे। देखिए इसमें ये वाला एयर फिल्टर है, आप लोग देख सक रहे हैं वीडियो में, जो इसको निकाल के और हम लोग उसके बाद इसको अच्छा से निकालने के बाद अंदर में थोड़ा साफ कर लेंगे कपड़ा से जो डस्ट रहता है। ये देखिए ओरिजिनल फिल्टर है और उसके बाद हम लोग ये कपड़ा से, ये देखिए पूरा इसको अच्छा से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करके उसके बाद हम लोग डस्ट को पूरा क्लीन करने के बाद फिल्टर एयर फिल्टर लगाएंगे। ये देखिए क्लीन कर लिया, ये एयर फिल्टर हम लोग फिट किए करके और उसके बाद हम लोग इसका कवर वापस से धीरे से बैठा देंगे। जैसे क्लिप है इसको अंदर में डाल के आराम से बैठा देंगे, इससे क्या होगा कि वो और साइड में लॉक रहता है उसको। ये देखिए वहाँ पर फिर लगा दिया और वो क्लिप, इस साइड में क्लिप है, क्लिप लगा दी। ये देखो हाँ, इसका इंजन ऑयल फिल्टर ओरिजिनल जो हुंडई का है जो लेके आया था, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए इंजन ऑयल फिल्टर हुंडई का ओरिजिनल है, इसको हम लोग ड्रेन हो गया होगा, इसको अब हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मोबिल गिरना बंद हो गया, अब लगा देंगे और लगा के इसको हाथ से ज़ोर से पूरा टाइट कर देंगे। इसमें टूल्स लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसको आप हाथ से भी टाइट कर देंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोग हाथ से इसको टाइट कर दे रहे हैं, टाइट करके फुल जितना आपके हाथ से दम से टाइट करने के बाद ये टाइट हो गया देखिए। और उसके बाद ये देखिए इंजन का ड्रेनर है, इसको हम लोग पोछ के और उसके बाद हम लोग इसको, ये देखिए हम लोग टाइट कर रहे हैं डीजल ऑयल फिल्टर टाइट करके फिर लगाएंगे। और ये देखिए बाल्टी भी गिरना बंद हो गया और ये हम लोग ये 17 नंबर जो बोल्ट है इसको लगाएंगे, लगा के टाइट कर देंगे। ये देखिए लगा रहे हैं, ये देखिए हम टाइट कर दिए। और इसके बाद इसको देखिए हम लोग पोछ देंगे जो इंजन ऑयल लीक करिए, देखिए पुराना मोबिल फिल्टर और ये इंजन ऑयल निकाल दिए। और ये देखिए कैस्ट्रोल का इंजन ऑयल है
5W30 फुल सिंथेटिक है, और इसको हम लोग अब हम लोग डालेंगे इंजनल। ये यहाँ पे लोकेशन है डालने का, ये देखिए कुप्पी लगा के इसको आराम से बारीकी से डाल सकते हैं। डालने के बाद धीरे धीरे डाल के उसके बाद हम इसको फुल कर देंगे। डाल दिए हम लोग, ये देखिए सिंथेटिक है, फुल सिंथेटिक, पेट्रोल डीजल सीएनजी सब कार में। ये देखिए डालने के बाद ये कैप है, ये देखिए ये हाँ टाइट कर दीजिएगा। और ये इसका देखिए चेक करने वाला इंजन आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्यूल का यहाँ पे लोकेशन आपको समझ में आता होगा, लो का ये फ्यूल सेकेंड डॉट जो है ये फ्यूल है। फिर डालेंगे, डाल के निकाल के हम लोग इसको, ये देखिए पूरा अंदर डाला, डाल के निकाला आप लोग देखिए। ये देखिए इंजन वाले यहाँ तक आ गया सेकेंड लाइन तक, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए फुल है जो भीग गया है, और छूम स्टार्ट करके कर लिए इंजन स्टार्ट करके। ये देखिए घूम रहा इंजन वाला, लीक नहीं कर रहा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट।